तो क्या करेगा? मोदी तो सब बेच देगा, हॉस्पिटल बेच दिया, जी बड़ा है, पूरा इंडिया बेचेगा बेचने में। अभी तो कोई बाकी नहीं है, कोई 20% हो तो बेचने में अभी जल्दी करता है। तो ये क्या करेगा? कलर करेगा, फ्रिज रखेगा, ये दिखाना है मोदी को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि मोरबी में आप घायलों से जो मिलने आए थे इस अस्पताल में, इधर कोई व्यवस्था थी नहीं, मोदी जी आए बाद में व्यवस्था हुई। इधर गरीब आदमी इतने पड़े हैं कि उसका कोई इलाज नहीं कर रहे। इस देश के सभी राज्यों के सरकारी अस्पताल में कुव्यवस्थाएं हैं और सरकारी अस्पताल में गरीब मजबूरी में इलाज कराने जाते हैं, चाहे वहां पे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या दूसरी पार्टियों की सरकार। तो क्या कल कल होगा? कौन से कल? अभी लाश पड़ी हुई है, लाश का इलाज कराना पड़ेगा। सब लोग चालू है, क्या बोलते हो? सब लोग चालू है, मैं भी कारोबार करती थी, छोड़ दिया। आती है ना जवाबदारी, तो किसकी आती है? नगर पालिका की है। नगर पालिका तो हाथ ऊंचा कर दिया, हमको मालूम नहीं है, क्यों मालूम नहीं है? रानी ने पहले जमीन और हॉस्पिटल जो है सरकार को दिया और सरकार ने बाद में जो है प्राइवेट को दे दिया। दे दिया, दे दिया। अभी मैं गुजरात के मोरबी शहर में हूँ, जो रातों रात एक हादसा के बाद पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। अगर ये शहर जो है भ्रष्टाचार जब हो रहा था उस समय भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हुआ रहता और उस समय सुर्खियों में आता तो शायद जो है 140 लोगों की मौत नहीं होती। और इस शहर के किसी भी चौराहे पर चले जाइए, स्वतंत्रता सेनानियों का फोटो लगाया गया है, प्रतिमा लगाया गया, और देखिए यहाँ पे भगत सिंह का प्रतिमा लगाया गया है, बगल में भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगाया गया है और दूसरे भी चौराहे पे जो है अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतिमा लगाया गया, महाराणा प्रताप का प्रतिमा लगाया गया है। लेकिन इन प्रतिमा को लगाने वाले नेता जो है इन प्रतिमाओं से क्यों नहीं सीखते हैं, इन स्वतंत्रता सेनानियों से क्यों नहीं सीखते हैं? अगर सीखे होते तो शायद भ्रष्टाचार के वजह से जो है 140 लोगों की मौत नहीं होती। और जहाँ पे भगत सिंह का प्रतिमा लगा है, भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगा है, उसी के बगल में ये मोरबी अस्पताल है जो रातों रात सुर्खियों में इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले होते हैं, इसकी सारी कुव्यवस्थाओं का उजागर हो जाता है। अगर मोदी जी नहीं आते तो इसमें क्या क्या हो रहा है किसी को पता भी नहीं चलता। चलिए अस्पताल में चलेंगे और अस्पताल के बारे में दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस देश के लोगों से कह देना चाहता हूँ कि इन स्वतंत्रता सेनानियों से सीखें जो देश को आज़ादी कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए और हम अपने घर के आगे भ्रष्टाचार होते हुए देखते हैं, अपने शहर में देखते हैं, अपने राज्य में देखते हैं और डर के मारे कोई कुछ नहीं बोलता है, डर के मारे। चलिए अस्पताल में चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं विनती करना चाहता हूं कि मोरबी में आप घायलों से जो मिलने आए थे इस अस्पताल में, आपको चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। इस देश में जितना भी सरकारी अस्पताल है उस सारे अस्पतालों का एक बार आप दौरा कर लीजिए, सारा का सारा अस्पताल जो है सुचारू रूप से हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा और सही हो जाएगा। अस्पताल कर्मियों को भी डर लगेगा कि सरकारी अस्पताल में नरेंद्र मोदी जी कभी भी आ सकते हैं तो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी जो है ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस अस्पताल में जो अपना इलाज करा रहे हैं वो सारे के सारे गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से है, अमीर परिवार से कोई नहीं होगा, बिजनेसमैन का पत्नी कोई नहीं होगा, बिजनेसमैन का बेटा कोई नहीं होगा। आज जो पुलवा गिरा दिया ना ओरिबा कंपनी, उस कंपनी का मालिक भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराता होगा, वो भी प्राइवेट कंपनी में इलाज कराता होगा लेकिन टेंडर लेगा सरकारी। मतलब कि कमाना हो, मलाई खाना हो तो सरकारी टेंडर में जाके जो है मलाई खाएं और इलाज वो लोग जो है बड़े बड़े लोग प्राइवेट अस्पतालों में कराते हैं और गरीब लोग जो है सरकारी अस्पतालों में कराते हैं। विनती है नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के हर एक अस्पताल का एक बार औचक निरीक्षण करें। अगर हर एक अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का आप औचक निरीक्षण नहीं कर सकते हैं तो हर एक राज्य में जो है 2-4, 5-5 अस्पताल का आप निरीक्षण कर ही सकते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री एक दिन में 5-5, 7-7, 10-10 रैली कर सकता है वो प्रधानमंत्री एक दिन में 10-10 अस्पताल का निरीक्षण भी कर सकता है। और उससे ये होगा कि आपको रैली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही सिस्टम में सुधार होगा और लोग ऑटोमेटिक आपको वोट देना शुरू कर देंगे। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप जिस अस्पताल में जाएंगे उस अस्पताल की कुव्यवस्थाएं जो है सामने आ जाएगी और जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो ये लोग थोड़ी हैं,
गरीब लोग थोड़ी ठेका लेते हैं अस्पतालों का, अमीर लोग लेते हैं, तो अमीरों को तकलीफ ना हो इसलिए जो है ये सिस्टम इस प्रकार का बनाया गया है। वो तो मजबूरी हो गई आपकी कि यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि मोरबी में ब्रिज हादसा हो गया था, अगर आप नहीं आते तो इस अस्पताल के अंदर क्या है क्या नहीं है किसी को पता भी नहीं चलता, ये है सच्चाई। और ऐसा नहीं है कि इसी अस्पताल में लापरवाही है, इसी अस्पताल में गड़बड़ी है, या गुजरात के सरकारी अस्पताल में ही गड़बड़ी है, इस देश के सभी राज्यों के सरकारी अस्पताल में कुव्यवस्थाएँ हैं और सरकारी अस्पताल में गरीब मजबूरी में इलाज कराने जाते हैं, चाहे वहाँ पे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या दूसरी पार्टियों की सरकार हो, सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं है। लेकिन उससे कम संसाधन में एक प्राइवेट अस्पताल जो है टकाटक चलता है और वो टकाटक जो है लोगों का खून चूसता है। और इस देश में अगर प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकारी अस्पताल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। सरकारी अस्पताल को जर्जर इसलिए रखा जाता है, खराब इसलिए रखा जाता है कि यहां पे गरीब लोग आके मरे और जिनके पास पैसा हो वो प्राइवेट अस्पताल में जाए। इस अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? मोदी जी आके चले गए थे यहाँ पे, तो मोदी आया तभी तो किया, नहीं तो कहाँ था? नहीं था, नहीं कुछ भी नहीं था, नहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। इधर कोई व्यवस्था थी नहीं, मोदी जी आए बाद में व्यवस्था हुई। इधर गरीब आदमी इतने पड़े हैं कि उसका कोई इलाज नहीं कर रहे, सब ऐसे ही चल रहा है, क्या करेगा? हॉस्पिटल में कुछ सुविधा नहीं है और मोदी जी आएगा तो कलर हो जाएगा, फ्रिज नाखेगा तो क्या होगा? और अभी लाश पड़ी है और उसको इलाज कराना पड़ेगा, ओ कलर करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कौन दिखाना है? और मोदी को दिखाना है, मोदी को दिखाना है। और मोदी आएगा तो कैमरा ढके जाएगा, क्यों ढकेगा? प्रजापुत्री कौन से वो बोलते हैं कि कोई सुविधा नहीं है, बहुत घटना बन गई है मोरबी में, क्या जवाब देंगे? यहाँ अंदर कोई नौकरी करता तो उसी को बोलने नहीं देते, उसको बताया नहीं कि मोदी आया है, मोदी आएगा मोदी पूछे करके बहन जी आपका क्या पगार है, रातों रात क्या कलर होगा, कौन से कलर? और अभी लाश पड़ी हुई है, लाश का इलाज कराना पड़ेगा और बहुत महंगा होगा है तो इसीलिए करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा? कलर करेगा, फ्रिज रखेगा, ये दिखाना है मोदी को? ये क्या है? राजकारण है और नेता आएगा आश्वासन देगा, हिम्मत रखो हिम्मत रखो, कोई नेता को 5 रुपया दिया? अच्छा ये हादसा मोरबी का पुल का क्यों हुआ? मोरबी का पुल का क्या हुआ? और राजा रजवाड़ा का पुल है टूट गया, और रानी साहिब को 1-1 लाख रुपया दिया, रानी साहिब को मृतकों को 1-1 लाख रुपया दिया, क्या नेता है दिया? नेता है दिया। अभी चुनाव होने वाला है गुजरात में मोरबी में, ये मोरबी में चुनाव होने वाला है, ये मोरबी का मुद्दा बहुत स्टंक होता है, ये चुटनी है भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बहुत विघ्न पड़ेगा, और प्रजापुत्री है आप मत लेने के क्या आएगा? उस हॉस्पिटल में पहला दिखाओ, दिखाओ हॉस्पिटल में क्या सुविधा है, सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ का नगर पालिका है ना, जो काम देता है 2 करोड़ का काम दिया था इसको, तो इसको चेक करना पड़ेगा ना। और चीफ ऑफिसर को क्या बोला? चीफ ऑफिसर को सस्पेंड किया, और प्रमुख को बोला प्रमुख को सस्पेंड करो, विधायक को सस्पेंड करो, सब लोगों को सस्पेंड करना, और इसी जवाबदारी आती है ना, जवाबदारी तो किसकी आती है? नगर पालिका की है, नगर पालिका तो हाथ ऊंचा कर दिया, हमको मालूम नहीं है, क्यों मालूम नहीं है, क्यों मालूम नहीं है? आप जवाब दिए और सस्पेंड कर दिया, ओ कुछ नहीं होगा भैया, कर्मचारी को सस्पेंड किया, कुछ नहीं होगा भैया, के मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई, वो भुगर में कर गया, वो भुगर में कर गया, कुछ नहीं होगा भैया, उसको तो फांसी की सजा देने पड़ेगी। वो बीजेपी का नजीक का आदमी है, वो जो कंपनी वाला है ना बीजेपी का, कम नजीक मर गया, क्या होगा? ना 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 बच्चा वो मर गया, क्या हो गया? अजंता वाला क्या करेगा? अजंता वाला अभी अजंता वाला अब अपने बेटा को जो है MD बनाएगा, ये तो अभी मालूम नहीं भैया, कंपनी का मालिक अब अपने बेटा को बना देगा, वो लोगों का जान मार के जो है अपना बेटा का भविष्य बचाएगा, सही है कि नहीं है? वो जो भ्रष्टाचार किया था वो अपने परिवार के लिए किया था ना, सरकारी हॉस्पिटल नहीं दिया है, वो कंपनी वो बेच दिया है, दे दिया है, वो प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट को दे दिया ना, अभी सरकार का आ रही है, अभी वो तो कंपनी दे दिया ना कंपनी वालों को, कौन सा अस्पताल को दे दिया, ये इसका नाम है, उसको दे दिया ना, प्राइवेट कर दिया अभी,
तो इसमें प्राइवेट मतलब पैसा लगेगा? हाँ अभी पैसा लगता है, पहले पैसा नहीं लगता था, अभी केस निकालने जगह 15 रुपया लेते ने। पैसा लगता है अभी? हाँ पैसा लगता है। पहले पैसा नहीं लगता? नहीं लगता। अभी पैसा लगता है? लगेगा भैया, अभी सब मोदी है ना, प्राइवेट कंपनी में हो जाएगा, सरकारी को मत लेना। तो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप भी गुजरात के हैं, तो क्या करेगा मोदी, तो सब बेच देगा, हॉस्पिटल बेच दिया, जी बड़ा है, पूरा इंडिया बेचेगा, बेचने में अभी तो कोई बाकी नहीं है, कोई 20% हो तो बेचने में अभी जल्दी करता है, जल्दी बेचो, जल्दी बेचो, कब निकल जाएगा? प्राइवेट कंपनी हो गया, प्राइवेट प्राइवेट क्या भर्ती हो गई, उसको गवर्नमेंट में मिली है नौकरी? मोदी आएगा तो कोई कोई इसको गवर्नमेंट में नौकरी मिली है? कुछ नहीं मिलेगा, प्राइवेट। गुजरात में भी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है? कोई कुछ नहीं है। तो गुजरात में सरकारी नौकरी की क्या जरूरत है, यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं। क्या यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं? कंपनी है तो कंपनी क्या पगार देती है, क्या पगार देती है? 10,000-15,000 देती है, और सरकारी को तो मिलते थे ना, और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बंद करो और सरकारी नौकरी दो। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ भी कहना चाहती हूँ, मोरबी को दारू बंद करना चाहिए, 25 वाली को ऑनलाइन, सब लोग धंधा करते हैं। क्या बोलती हूँ मैं, हिंदी गुजराती में बोलू है? 25 वाली जो हुए धंधो करती थी, हो धंधो बंद करवाना था ही है, जो धंधो बंद नहीं करे ने तो माना पीवा नहीं मिली थी। गुजरात में तो दारू बंद है, हैं? बंद है। सब लोग चालू है, क्या बोलते हो, सब लोग चालू है, मैं भी कारोबार करती थी, छोड़ दिया धंधा बनने का। मोरबी के लोगों का कहना है कि ये अस्पताल और अस्पताल का जमीन जो है रानी साहिबा का है, और सबसे पहले उन्होंने ही इस अस्पताल को बनवाया था, उसके बाद से इसको सरकार के हवाले कर दिया गया, और अब जो है सरकार जो है इसका कुछ भाग जो है प्राइवेट कंपनी को दे रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो क्या है, प्राइवेट सब दे गएगा। तो रानी ने पहले जमीन और हॉस्पिटल जो है सरकार को दिया, और सरकार ने बाद में जो है प्राइवेट को दे दिया। दे दिया, दे दिया। क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा भैया, कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ये हॉस्पिटल का गेट है, जर्जर है, ये कभी भी गिर सकता है, और किसी आम आदमी पे ही गिरेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन जो है यहाँ पे अपना इलाज कराने नहीं आता होगा। और आप देख सकते हैं ये जगह जगह पे टूटा हुआ है पूरा, और गेट, मेन गेट, मेन गेट यहाँ पे आप देखिए, जिस गेट से नरेंद्र मोदी जी गुजरे थे वो ऊपर नहीं देखे होंगे, वो सामने देखे होंगे, इसीलिए सामने चकाचक करने का प्रयास किया गया था, वो नीचे देखे होंगे इसीलिए नीचे चकाचक करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गेट ही जो है ये जर्जर है, पूरा का पूरा गेट जो है वो जर्जर है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पत्रा, बोलो देखो, देखो पत्रा, ये पत्रा देखो, और कुछ जाना नहीं हो गए तो क्या जवाब देगा? हाँ। कौन सरकार देगी, हाथ ऊंचा करेगा? हाँ। मुझे मालूम नहीं है, मैंने अभी अर्जी दी है। हाँ। देखो मैं अर्जी दिया अभी दिया है अभी। हाँ। क्या करेगा? हाँ। क्या करेगा भैया, क्यों अर्जी आपने दिया है? ओ जर्जरित हो गई इसीलिए, क्या जर्जरित हुआ है, दूसरा जाना नहीं नो बनने के लिए मैंने दिया है, वो देखो मैंने दिया है कलेक्टर और सुपरिंटेंडेंट को दिया है। क्या लगता है कि ये गेट बन जाएगा? ओ बन जाएगा तो क्या, मोदी जी आए तब गेट बना ही नहीं, तब आपके आवेदन से तो फिर से मोदी जी आएगा तो गेट बन जाएगा भैया। हाँ। और फिर से दूध घर बन जाएगी। हाँ। और भगवान को लेकर नौ बन जाएगी, और दूसरे जो दूध घर बन जाएगी तो रातों रात गेट बन जाएगा भैया। हाँ। क्या है, ये तो राजकारण है भैया, और राजकारण आता है DDT छटा जाएगा, और सब लोगों डॉक्टर आ जाएगा, पुलिस स्टाफ आया जाएगा, तो क्या है, ये राजकारण है भैया, राजकारण। बाकी मोरबी के इस सदर अस्पताल से हमारा ये प्रयास और नरेंद्र मोदी जी का आगमन इस अस्पताल में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये जर्जर गेट ये बात का सबूत है कि इसके पहले दूसरा दुर्घटना हो, इस गेट को जो है नए तरीके से बनाया जाए। जय हिंद।